वेलकम टू बुरानो वेनिस इटली, जो माना जाता है दुनिया का सबसे रंगीन आइलैंड, मोस्ट कलरफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। मतलब इतनी कलरफुल जगह और मैं ना आऊं, ऐसा हो नहीं सकता ना। नो पीस विमल, विमल पिचकारी, नो डू दिस पिचकारी, शंकरी शंकरी नहीं, केसरी केसरी केसरी। अब इटली में आओ और इटालियन पिज्जा खाने की इच्छा ना हो, वो भी थिन क्रस्ट मार्गरिटा, तो क्या ही इच्छा हो, है ना। ओके परफेक्ट लीजा, ग्रासे, थैंक यू। ओ यू आर सो स्वीट, थैंक यू ग्रासे, बाय बाय। ऐसी कौन सी सिटी है भाई जो पानी में बसी हुई है, जहाँ पे सिर्फ बोटे होती है, एक घर से दूसरे घर जाना है तो भी बोट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहाँ पे फोर व्हीलर टू व्हीलर अलाउड नहीं है। अभी बज रहे दोपहर के 1, यहाँ पे अभी बारकोड स्कैन करूंगा फर्स्ट, कल दोपहर के 1 बजे तक, अभी 24 घंटे तक जो मर्जी जितना मर्जी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ वो पास। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी एयरपोर्ट पे यू प्राग के इनफैक्ट फ्लाइट में प्रस्थान कर रहा हूँ और फ्लाई करने वाला हूँ वेनिस इटली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चाओ एवरीवन, और ये हम पहुंच गए आखिरी पास्ता के शहर में, आखिरी पास्ता के देश में, इटालियानो। ये हमारी 5वीं कंट्री है भाई इस यूरोप ट्रिप की, हम पहुंच गए है वेनिस। फ्लाइट की अगर बात करें तो 1.25 घंटा का ड्यूरेशन था और रेट 1200 रुपये। जी हाँ, मैंने इंडिया में ही बुक कर दी थी, 1200 रुपये की फ्लाइट पड़ी थी विश एयर की फ्रॉम प्राग टू वेनिस, जिसमें लगेज वगैरह तो इंक्लूडेड नहीं रहता है, लेकिन विश एयर की बात बता दूं कि 10 किलो हैंडबैग ऐसा अलाउड रहता है अगर आपके पास ये रक्षक बैग हो तो वो लोग रक्षक बैग को चला देते हैं, हालांकि ज़्यादा भी बड़ा नहीं होना चाहिए। मेरे पास 12 किलो था तो उतना चल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मैं एग्जिट कर दिया हूँ, अभी बजे है सुबह के 10, यहाँ से मैं बस पकड़ के जाऊँगा, क्योंकि ये जो है ना ये मार्को पोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये एयरपोर्ट वेनिस सिटी के बाहर है, आप कह सकते हो कुछ दूरी पर है। हम यहाँ से अभी बस पकड़ के जाएंगे, हम स्टे वगैरह जो भी ले रहे हैं 2 रात का वो वेनिस में नहीं ले रहे, बिकॉज वेनिस पे मैंने सर्च किया था भाई साहब 6000 रुपया 2 रात के नीचे किधर मिल ही नहीं रहा था, प्लस वहाँ पे टैक्स देना पड़ता और भी, मतलब समझ जाओ कि 6500 रुपया लगता है 2 रात का। मैंने सोचा कि नहीं भाई, इससे अच्छा अपन वेनिस के जस्ट बाहर जहाँ पे मिस्त्री रेलवे स्टेशन, आप कह सकते हो वेनिस का रेलवे स्टेशन है, उसके आसपास ही मैंने ले लिया, 2800 रुपया पड़ा मुझे 2 रात का। मतलब आप ही सोचो कहाँ 6500 रुपया, कहाँ 2800 रुपया 2 रात का। एनीवेज ये रही मिस्त्री की बसेस, अब पता नहीं कौन सी बस जाएगी, मेरे को बोला गया डी नंबर पे वेट करना, तो डी तो वहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगी। हर आधे आधे घंटे में बसेस रहती है, चाहे फिर वो मिस्त्री रेलवे स्टेशन से यहाँ आना हो या फिर एयरपोर्ट से मिस्त्री जाना हो। सो पहली बस सुबह की है 6:06 की और रात की लास्ट बस है 1:10 की, मतलब सही है टाइमिंग, बहुत सारी बसेज है हर आधे आधे घंटे में है। तो आ चुकी है अपनी बस जो कि 20-22 मिनट में पहुंचा देगी अपने को अपने डेस्टिनेशन पे। हॉस्टल चेक इन तो इतना अर्ली मिलेगा नहीं आए नो, देखते सामान वामान रख के अपन बाहर निकल जाएंगे किधर खाना वाना खाने, वीगन ऑप्शंस तो मिल ही जाएगा रेस्टोरेंट कोई ना कोई, है ना। और महज 20 मिनट में हम उतर चुके हैं मेस्ट्रो रेलवे स्टेशन। मेरे को यहाँ से अभी कोई ट्रेन वेन नहीं पकड़नी है, बाहर ही जाना है, लेकिन मैंने सोचा कि अभी इधर उतर ही गए हैं तो रेलवे स्टेशन भी देख ले। तो ये रही A&O होटल हॉस्टल जो मैंने बुक करी है, सही लग रही है यार, बाहर से महंगी वाली लग रही है ऐसे तो, है ना, 1400 रुपया प्रति रात का कतई नहीं लग रहा मेरे को, हालांकि हॉस्टल रूम हमने बुक किया है, प्राइवेट रूम नहीं किया है। ऑल राइट गाइज, एज एक्सपेक्टेड अर्ली चेक इन तो मिला नहीं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज इस हॉस्टल में डेडिकेटेड लगेज रूम था जिसके कारण मैंने लगेज रख दिया, वॉशरूम हो आया, तैयार वगैरह हो चुका हूँ और अभी मैं बाहर निकल पड़ा हूँ, क्यों, लंच वगैरह करने, बिकॉज यहाँ पे नजदीक में ना, मतलब नजदीक इन द सेंस 15 मिनट बाय वॉक, एक वीगन रेस्टोरेंट है जो कि इटालियन वीगन रेस्टोरेंट है। मतलब सोचो इटली में आके इटालियन वीगन खाने मिलेगा तो कितना मजा आएगा, है ना। उसके बाद बाहर निकल जाएंगे घूमने फिरने, आई मीन वेनिस की तरफ निकल पड़ेंगे, हालांकि ये भी मेनलैंड वेनिस है, ये मेनलैंड बोलते हैं और उसको ओल्ड सिटी बोलते हैं, लेकिन जो भी मजेदार चीजें है ना सारी चीजें ओल्ड सिटी में है ना, वो कहते हैं ना जी जो ओल्ड में मजा वो न्यू में कहा, किसी किसी चीजों में, हर चीजों में नहीं। वैसे वो हॉस्टल वाली रिसेप्शन वाली मोहतरमा कह रही थी कि आप 2 बजे तक आ जाना, मैं रूम रेडी करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि चेक इन टाइम 3 बजे का होता है ना, मतलब कोई बात नहीं, मैं तो 3 बजे 4 बजे 5 बजे के बाद ही आऊंगा, क्योंकि एक बार अभी मैं बाहर निकल गया तो फिर घूम फिर के ही अच्छे से आऊंगा ना।
ये रहा इटालियन वीगन रेस्टोरेंट विजी और लॉसो, क्या नाम है ये, व्हाट इज दिस? पीछे इज लाइक स्पेगेटी। ओके, वेरी गुड। ओके, वन वन। ओके, नाइस प्लेस बाय द वे। हाँ, वही 12.5 यूरो पूरे लगेंगे, मतलब 1100 रुपया, 1150 रुपया लगेगा। आप देखते हैं कि कैसा टेस्ट होता है। ओह थैंक यू। व्हाट टू से थैंक यू इन इटली? ग्रासिया। ग्रासिया, ग्रासिया। आई नो चाओ, हेलो, ग्रासिया मतलब थैंक यू, ग्रासिया। ओहो क्या बात है, ग्रासिया। मतलब अगर आप सोच रहे हो मैगी जैसा कुछ मसालेदार, नूडल्स जैसा कुछ मसालेदार, तो नहीं जी, एकदम क्रीमी क्रीमी से नूडल्स है। आप समझ जाओ हेल्दी है, वीगन है और पेट भर जाएगा इससे, बस वही बात है। टिकले जाड़े है और टोफू भी है, और जो मर्जी जितना मर्जी आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो। ओहो, मुझे लगा क्वांटिटी कम है, लेकिन सच में पेट भरा दिया मेरा यार। अच्छा खासा क्वांटिटी था, वो खाने के बाद ही पता चलता है। टेस्ट अच्छा था, व्यवहार अच्छा था, क्लीनलीनेस अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। ठीक है यार, 1100 रुपया लगा, लेकिन आपको ऑथेंटिक इटालियन खाना भी तो मिल रहा है, वो भी वीगन वेजिटेरियन, तो और क्या ही चाहिए। अभी सामने से ही बस जाएगी वेनिस के मेन टाउन यानी कि ओल्ड पार्ट में, जहाँ पे सब कुछ अट्रैक्शन वगैरह है, वहाँ से हम आज टूर करने वाले हैं विलेजेस का। जी हाँ, हम वेनिस तो उतरेंगे, वेनिस से फिर फेरी लेकर चले जाएंगे मुरानो। बुरानो करके विलेजेस है फेमस, जो कि अगेन 1 घंटा दूर है वेनिस के ओल्ड टाउन से। सो गाइज, वेलकम टू द मेन पोर्ट ऑफ वेनिस। अगर बस की बात करूँ तो बस सिर्फ 15 मिनट का ही रास्ता था मिस्त्री से यहाँ तक, और अगर रेट की बात करूँ तो वो मेरे को पता नहीं, बिकॉज अंदर किसी ने मांगा नहीं। मैं बोला किसको दूँ पैसा, फिर मैंने सोचा एक काम करता हूँ ऑनलाइन टिकट ले लेता हूँ। मैंने ऑनलाइन एक टिकट ले ली, मैं आपको उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ताकि कि आप भी ले सको। अभी वो टिकट है क्या ये बस की? नहीं जी, 24 घंटे की पूरे वेनिस में, फिर चाहे वो मिस्त्रे से बस लेके यहाँ तक आना हो, यहाँ से बस लेके वापस मिस्त्रे जाना हो, या फिर यहाँ पे जो मेन पोर्ट पे जहाँ पे बस वगैरह सिर्फ यही तक है, ये आखिरी स्टॉप है, फिर कोई 4-व्हीलर 2-व्हीलर अलाउड ही नहीं है इधर, इसके बाद है ना। जैसे हम एंटर हो रहे हैं ये ब्रिज है, ठीक है, तो आप देख लो पहला नजारा वेनिस का। सबसे पहले तो शानदार है, जानदार है, मजा ही आ गया, दिल खुश हो गया। बचपन में डिस्कवरी में देखता था, तब से इच्छा थी कि भाई वेनिस जाना है। ऐसी कौन सी सिटी है भाई जो पानी में बसी हुई है, जहाँ पे सिर्फ बोटें होती है, एक घर से दूसरे घर जाना है तो भी बोट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहाँ पे 4-व्हीलर 2-व्हीलर अलाउड नहीं है, या तो पैदल चलो या फिर बोटों से जाओ। आज फाइनली मैं आ ही चुका हूँ, पहुंच ही चुका हूँ। एनीवेज मैं वही कह रहा था, तो मैंने ऑनलाइन टिकट ले ली 24 घंटे की, जिसमें बस वगैरह हो गया या फिर ये वाटरवेज हो गया, क्योंकि वेनिस में सिर्फ वाटरवेज है, जैसे कि पहले ही कहा, सारी चीजें अनलिमिटेड, जो मर्जी जितना मर्जी। इनफैक्ट बोट पकड़ के मैं मुरानो बुरानो वो सब आइलैंड्स भी जा सकता हूँ, सब इंक्लूडेड है। $26 लगा, यानी कि इंडियन करेंसी में 2300 रुपये के आसपास होता है। ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव है मैं मानता हूँ, थोड़ा नहीं बहुत एक्सपेंसिव है, 24 घंटे का 2300 रुपया किसको बोलते, लेकिन अभी दिक्कत नहीं है, अलग अलग टिकट लेने की जरूरत नहीं है, इधर से उधर उधर से इधर जा सकता हूँ आ सकता हूँ पूरे 24 घंटा। सो जो मैंने ऑनलाइन टिकट लिए ना, उसका बारकोड मिलता है, ठीक है। अभी बज रहे दोपहर के 1, यहाँ पे अभी बारकोड स्कैन करूँगा फर्स्ट, कल दोपहर के 1 बजे तक अभी 24 घंटे तक जो मर्जी जितना मर्जी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ वो पास। तो बस जैसे ही आप बस स्टैंड से उतरोगे, सामने ये येलो मशीनें रहती है, वहाँ पे बारकोड स्कैन करना है। वो बारकोड कौन सा? जो आपने खरीदा ना $26 का लिंक से, तो आपको बारकोड आएगा, वाउचर आएगा, उसमें बारकोड स्कैन करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 24 आवर की पास, ठीक है। अभी बजे है 1:02, मैंने ये पास ले लिया है, लेकिन अभी से चालू नहीं हुआ है 24 आवर्स। जैसे ही मैं स्कैन करूँगा ना बोट में चढ़ने से पहले, जब मैं स्कैन करूँगा तब से फिर 24 आवर्स तक वो वैलिड रहेगा। मुरानो की बोट कितने बजे? 1:16 की है। ओके, अब तो 1:10, ठीक है, ये मैंने वैलिड कर दिया 1:10 का। अभी कल 1:10 तक अपन कितना भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये रहा डॉक, 6-7 मिनट में आ जाएगी बोट जो हमें लेके जाएंगी मुरानो। मुरानो से हम चेंज करके जाएंगे बुरानो, पहले बुरानो एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद वापस रिटर्न आते वक्त मुरानो एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज डायरेक्ट बोट नहीं है बुरानो के लिए, आपको मुरानो उतर के ही बुरानो जाना पड़ेगा। मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ कि अपन वी का ऐसा ट्रैवल कर रहे, मिस्त्रो से आए यहाँ पे वेनिस के मेन पोर्ट पे, अब यहाँ से मुरानो बुरानो, पूरा वेनिस का वी कर रहे अपन। Of course, I love India. And you've been traveling? Yeah, traveling to
First I gone to Paris. Paris to Belgium, then Germany, and then Prague, and finally here. What about you? We also been in France. Oh. We made like I live in Berlin. You live in Berlin? Yeah, yeah. I have been to Berlin. It's it was amazing. Yeah, yeah, of course. And you went to party? Yeah, party. So we started in, my friend came to Berlin, then we went to Amsterdam, Prague, okay, Barcelona, and okay. I loved Prague, to be very honest. It was very beautiful. Yeah. Yeah, it was nice. But my favorite has been, I think, Barcelona. Barcelona? Yeah, because I speak Spanish. So I see. कैसी सब गलियां है ना. आपने मूवी देखी है क्या हॉलीवुड की, इटालियन जॉब? क्या जोरदार मूवी है. इनफैक्ट बॉलीवुड ने उसकी कॉपी भी की थी. अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल, ये सब हीरो थे. अब मैं नाम भूल गया बॉलीवुड का मूवी का, लेकिन मैं हॉलीवुड वाली मूवी बहुत दफा देख चुका हूँ. मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है द इटालियन जॉब. 2004 या 2006 में रिलीज हुई थी. बहुत ही शानदार मूवी है. स्टार्टिंग का जो भी सीन है ना, वो यहीं पे तो शूट हुआ था. ये वीडियो में तो वेनिस का तो मैं मुरानो ही प्रॉपर दिखाऊंगा, बिकॉज ये जो है ना शहर, ऊपरा ऊपरे से आप देख रहे हो इस वीडियो में. बाकी तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें आप अच्छे से देखोगे जो भी इसके मेन अट्रैक्शन है. बाय फ्रेंड. तो ये हम उतर चुके हैं मुरानो. यहाँ से बोट चेंज करके जाएंगे बुरानो. वो जो लाइन लगी है ना, मेरे हिसाब से वही है बुरानो की लाइन. ये बुरानो की बोट तो फुल खचाखच पैक है. बाप रे, बहुत भीड़ है. गाइस, वैसे तो मैंने इस वीडियो के ट्रेलर में बता दिया रहूंगा, लेकिन दोबारा बता देता हूँ. वेलकम टू बुरानो, जो कि दुनिया का सबसे रंगीन आइलैंड है. जी हाँ, मोस्ट कलरफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. वाव गाइस, दिल खुश हो गया यहाँ आके. सच कह रहा हूँ, क्या डिसीजन लिया मैंने यहाँ आने का. मतलब मजा ही आ गया. इतना कलरफुल विलेज, इतनी कलरफुल जगह मैंने आज तक किधर भी नहीं देखी. मतलब आप देख लो, हर घर का कलर अलग है. तभी तो माना जाता है ये दुनिया का सबसे रंगीन आइलैंड. वैसे बुरानो इसलिए भी फेमस है लेस वर्क के लिए. जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो हैंडवर्क वगैरह करते हैं ना कपड़ों में, या फिर कोई भी शॉल में, या फिर मफलर में, इसके लिए भी काफ़ी फेमस है. मैंने ये जगह सच में कोई वीडियोज में वगैरह नहीं देखी. मैंने जब लेकिन इसके बारे में पढ़ा जाना, तब मेरे को पता चला कि भाई यहाँ आना तो बनता है. मतलब इतनी कलरफुल जगह और मैं ना आऊँ, ऐसा हो नहीं सकता ना. बिकॉज मुझे कलर से कितना प्यार है. मैंने सोचा कि वेनिस से नज़दीकी है, एक घंटे की दूरी पर ही है, तो हो आता हूँ ना. रूट्स फटाफट डिसाइड किया, देखा, डिसीजन लिया. मैं बोला पहले दिन ही ये कवर ज़रूर करूँगा. इनफैक्ट ऐसी पतली पतली गलियाँ में भी जाओगे ना आप, तब भी आपको रंग ही रंग दिखेंगे. मेरे चारों तरफ रंगी रंगे, आप देख लो यार, क्या मस्त सीन है. प्रतीक. How are you? I'm good, Anna. What about you? Fabulous. You, where are you from? Mexico. Mexico. Anna from Mexico. Hi. Indian food. Shawarma, you like? Huh? Shawarma is not Indian. No. Like basically maybe Afghani food or maybe Turkish food. I don't know. Okay. Which type of food do you have in India? Curry. Curry. Okay. You know about curry? Yeah, it's good. Naan. Uh-huh. Lassi. These are the common three things like every people from different part of the world knows, like okay. Curry, naan. You was in Dubai. Huh, so in Dubai, there are a lot of Indian restaurants. Yeah, that's why I asked. In fact, Indians had made Dubai, you know. Yeah. Smelly. Pratik.
Pratik. Peace. In Murano, in Venezia, it's very beautiful. Colorful. Colorful houses. And guys, where are you from basically? Germany. From Germany. Germany, Berlin, yeah. Right? No, Frankfurt. Frankfurt. Yes. Ah. This is Vimal ki pichkari. What? Vimal. Vimal. Bolo Zuban Kesari. Yeah, peace. No peace. Vimal Pichkari. No do this. Pichkari. Vimal Shankari. Shankari nahi. Kesari. आप ना इस आइलैंड में इजीली 2 घंटा बिता सकते हो. इनफैक्ट मैंने भी 1.5-2 घंटा बिता दिया है. और अब बारी आती है वापस फेरी पकड़ के जाना मुरानो. भाई मुरानो की भी अलग कहानी होगी, वहां पे भी कुछ अलग हमें देखने मिलेगा, है ना. सो गाइस वेलकम टू अनदर आइलैंड ऑफ वेनिस मुरानो, जो कि इतना मशहूर है ग्लास ब्लास्टिंग के लिए. ग्लास ब्लास्टिंग माने कि वो लोग कांच की ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना, चाहे फिर वो चाय पीने का कप हो या हो वाइन का ग्लास या फिर नॉर्मल पानी का ग्लास. मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मुरानो ग्लास आप सिर्फ गूगल में डाल दो, 10,000 से लेकर 40,000 रुपये तक की ग्लासें बिकती है. क्योंकि वो डिज़ाइन इतनी खतरनाक होती है कि कोई दुनिया में और बना ही नहीं सकता. ऐसी ऐसी कलरिंग, ऐसे ऐसे डिज़ाइनों के वो ग्लासेस बनाते हैं या फिर शोकेसेस हो गए जो घर में फर्नीचर वगैरह पे रखते हैं ना, बस ऐसी ऐसी चीज़ें कांच से रिलेटेड मुरानो में बनती है जो कि बहुत मशहूर है वर्ल्ड वाइड. ये देखो दिख रहा है क्या आपको, कांच के टुकड़े कुछ ना कुछ ये लोग बनाते रहते हैं. और बगल में फिर स्टोर्स है, बहुत सारी स्टोर्स है. मैं आपको दिखा देता हूँ, फैक्ट्री के अंदर तो जा नहीं सकता क्योंकि ऐसा बैरियर लगा है. और ये देख लो इस तरीके से सारी चीज़ें बनती है कांच की. ये देखो ये 25 यूरो की एक एक ग्लास है, मतलब समझ रहे हो 2,500 के आसपास की. ये देख लो 1,800 रुपये का है, लेकिन बड़ा ही प्यारा है. मतलब कांच का है, नीचे कुछ ब्लू कलर डाल दिया और बीच में छोटी सी मछली डाल दी, लेकिन है 1,800 रुपये का. इतू सा एक ग्लास 50 यूरो की है, यानी कि 4,500 रुपये की है. और अगर 6 ग्लास लेते हो तो 290 यूरो, मतलब हो गए 26,000 रुपये. 26,000 रुपये की ये 6 ग्लास है, बताओ यार. अब इटली में आओ और इटालियन पिज्जा खाने की इच्छा ना हो, वो भी थिन क्रस्ट मार्गरिटा, तो क्या ही इच्छा हो, है ना. मैंने मेनलैंड वेनिस में भी पूछा, हर जगह पूछा. पिज्जा में ये लोग नॉनवेज यूज नहीं करते, जो ब्रेड रहता है ना उसमें अंडा वगैरह कुछ यूज नहीं करते हैं, नॉर्मल ब्रेड रहता है. हाँ पास्ता, उन्होंने कहा कि पास्ता स्पगेटी ये सब चीज़ों में हम एग यूज करते हैं, बाकी पिज्जा की रोटी में कोई एग यूज नहीं होता है. और हम सेपरेट माइक्रोवेव में आपको बना के देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मैं बोला अगर ये बात है तो बना दो. 8 यूरो का पिज्जा इतना बड़ा और 2 यूरो का पानी का बॉटल, मतलब 10 यूरो लगा है, लेकिन आप देख लो कितना शानदार सा पिज्जा आया है. वाह वाह वाह. What's your name? Lisa. Yes. You from Murano? I'm from Murano. Can I ask you one question? Yes. What is the population of Murano? Around 3,000 inhabitants. 3,000 inhabitants. Yes. Yeah. You have always been in Murano only? Yes, I was born in Murano. Studies? No, I studied in Venice. Okay. And Verona. Okay. But my house is here. Yeah. My family is here. So it's your shop. It's yes, very beautiful. Yes, made by my father. Oh, very colorful, huh? Yeah. Everything Murano glass, right? Yes. Okay, perfect, Lisa. Grazie, thank you. Oh, you are so sweet. Thank you, thank grazie. Bye bye. Bye. हर दुकान में कुछ ना कुछ अलग दिखेगा, सच कह रहा हूँ. फिर चाहे वो अलग प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट का कलर ले लो या प्रोडक्ट की बनावट ले लो, कुछ ना कुछ तो आपको अलग ही दिखेगा, सुहावना लगेगा. हाँ मुरानो जैसा चार्म नहीं है यहाँ पे, बिकॉज इतने रंग नहीं है जितने मुरानो में थे, लेकिन ये मुरानो का भी अलग चार्म है, वो मानना पड़ेगा. आप लुक से देख लो, है ना, रंग आपको दिखेगा नहीं इतने सारे, लेकिन कितना चार्मिंग, कितना पीसफुल और कितना सूदिंग लग रहा है ना. मतलब ओए होए, कपल के हिसाब से रोमांटिक प्लेस भी लग रही है. आई होप कि ये लाइटिंगें लगेगी, जो मेरे को झालर दिख रही है बल्बों की वो लगेगी तो और प्यारा लगेगा, है ना. ऑल राइट गाइज, तो मुरानो से भी निकलने का वक्त आ चुका है. 3 मिनट बाद फेरी आ जाएगी और हम चले जाएंगे बैक टू वेनिस के पोर्ट में, फिर वहाँ से बस पकड़ के चले जाएंगे बैक टू मिस्त्रे. कल एक नया दिन होगा जिसमें हम वेनिस को अच्छे से कवर करेंगे, सारे अट्रैक्शंस कवर करेंगे. आज हमने मुरानो और बुरानो दोनों कवर कर दिया. बता दूं कि फेरी ना हर आधे आधे घंटे में आती है, तो अभी 3 मिनट बाद जो फेरी आएगी वो अगर छूट गई तो डायरेक्ट फिर आएगी आधे घंटे बाद.
गूगल मैप्स में सारी आपको टाइमिंग मिल जाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कौन सी फर्स्ट फेरी है, कौन सी लास्ट फेरी है, वेनिस पोर्ट से मुरानो या मुरानो से बुरानो, बुरानो से मुरानो, सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, रात तक चलती है। अभी ये अगर छुट्टी आधे घंटे बाद वाली मिलेगी ना तो अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है और मेरे को यही व्यूज़ में वापस ट्रैवल करके जाना है बैक टू वेनिस पोर्ट, तो और अच्छा लगेगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम वेनिस के सारे अट्रैक्शन जैसे कि मैंने कहा कवर करेंगे। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल, लाइक करके जरूर जाना अगर आपने भी खूब इंजॉय किया मेरी तरह इस वीडियो में।